टूट ही झोपड़िया हमार, मैया जी मेरे घर आना। टूट ही झोपड़िया हमार, मैया जी मेरे घर आना। हेलो मिठी फैमिली मेंबर, कैसे हैं आप सब। तो अभी सुबह का 11:30 बज रहा है, ये देखो। और हम लोग सब लोग यहाँ पे बैठे हुए, देखो मम्मी जी बैठी हैं, मोंटू भी बैठे हैं, और इन दोनों लोगों की पपीता पार्टी चल रही है। मीठी हाय कर दो, फ्रेंड्स को हाय कर दो, कैसे हो। तो कल मीठी नहीं, जब हम लोग चिप्स बना रहे थे तो कल मीठी नहीं रिकॉर्ड किया था, और थोड़ा बहुत जो भी किया था, फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था कल। और आज मैं दूसरा दिन है रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मैं सबसे पहले इसलिए मैंने वेलकम कर दिया आप लोगों का। तो आज मम्मी जी बनाने जा रही हैं पापड़, वो भी चावल का। कल आप लोगों ने आलू का चिप्स देखा था, और वैसे भी नॉर्मली चिप्स सबको बनाने आता है, और मम्मी जी आज चावल का पापड़ बना रही थी, तो कुछ मुझे खास लगा तो मैंने कहा कि चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर देते हैं, और ब्लॉग भी हो जाएगा हमारा। और मम्मी जी के हाथ की वैसे भी आप लोगों को हर चीज़ पसंद है बहुत, और आप ट्राई भी करते हो, तो इसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारा जो हम लोग बनाते हो उसको देखते हो, फिर सीखते हो, फिर उसको करते भी हो। और ये देखो मीठी यहाँ पे खड़ी, अभी नहाई जाओ बेटी, बाल सुखा के आओ। तो ये देखो मम्मी जी, अब जो चावल का आटा है, तो चलो मैं आपको अच्छे से बैक कैमरे से दिखाती हूँ और समझाती हूँ कि मम्मी जी क्या बना रही हैं और कैसे बना। तो ये है चावल का आटा, मतलब पहले चावल को मम्मी जी ने धोया था, फिर उसको सुखाया है और उसको चक्की में ले जाके पिसवाया है, तो ये आटा बन गया है चावल का। और इधर पानी चढ़ा हुआ है गैस पे, जो कि खौल गया है अच्छे से, और इसमें मम्मी जी ने नमक डाला है और कलर डाला है, और पानी अच्छे से जब खौलने लगा है तो मम्मी जी ने इसमें जो आटा था चावल का आटा उसको डाल दिया है। बहुत ईजी वे में जो पापड़ होते हैं ना चावल के, वो बन के तैयार हो जाएंगे। और ये सब चीज़ मैं शादी के बाद अब सीख रही हूँ, क्योंकि अब मुझे देखने को मिल रहा है, और आपको तो पता ये कि मैं बनाती नहीं थी पहले, मुझे खाने का बहुत शौक़ है पर बनाने का शौक़ नहीं था, अब वो सब सारे शौक़ आ गए हैं। और क्वांटिटी मम्मी जी ने क्या कैसे लिया है, कितना लिया है, वो मम्मी जी खुद बताएंगी आपको आगे जब हम लोग बनाने लगेंगे ना बैठ के, तब मम्मी जी बातों बातों में ही बता रही थी, तो आप लोग सुनिएगा। और मम्मी जी मेरा इतना सपोर्ट करती हैं, तो आप भी थोड़ा सपोर्ट कर दिया करिए। और जितने प्यार से मेरी सासू माँ मेरे साथ ब्लॉगिंग करती हैं ना, उतने ही प्यार से आप लोग मेरे चैनल को लाइक भी किया करो, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ये बहुत अच्छे से औटना पड़ता है, घोटना पड़ता है, जो भी बोलते हो मिक्स करना होता है, वरना गिल्टियाँ आ जाती हैं। और इसको थोड़ी देर ढक के रख देंगे, और उसके बाद थोड़ा मतलब भाप लग जाएगा ना इस पर इसलिए, और उसके बाद फिर से इसको थोड़ा सा चला लेंगे, और अब मम्मी जी खुद बताएंगी आगे। तो चलो बात ही करते हैं। तो इन लोगों को पपीता पार्टी करने देते हैं, मम्मी जी पापड़ की जो तैयारी करी उनको करने देते हैं, और मैं जा रही हूँ बर्तन धुलने, क्योंकि हम लोग सुबह का जो नाश्ता है वो कर लिए हैं, क्योंकि 11:30 बज रहा है, तो हम लोगों ने 10:30 बजे सारा मतलब नाश्ता पानी सबका हो चुका है, सब फ्री हो चुके हैं। अभी मुझे थोड़ा सा जो चावल कल रात का उसको फ्राई कर लेना है बस, तो अब मैं जा रही हूँ पहले बर्तन धुलूंगी। बर्तन अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ पर फैला हुआ है, तो अभी मैं पहले थोड़ा सा किचन समेट लूँ, और उसके बाद क्योंकि ये चीज जो है बैटर है ये बन चुका है पापड़ के लिए, तो हम लोग सीधा चलेंगे छत पर। और वहाँ हम लोग छत पे आ गए हैं, और ये देखो अभी भी चिप्स फैली हुई है, सुबह हम लोगों ने इसको फैला दिया था नहाने से पहले। तो ये देखो यहाँ मीठी बैठी है, मम्मी जी का फ़ोन चला रही है, और यहाँ मम्मी जी बैठी हैं, और मम्मी जी लोई काट रही हैं, और फटाफट से बेल बेल के देंगी, और मैं यहाँ पे फैलाते चली जाऊँगी। कुछ लोग पन्नी पे भी फैलाते हैं, पर साड़ी पे हम लोग फैला रहे हैं, और देखिएगा कि चावल का पापड़ कैसे बनता है। तो सारा सामान लेकर हम लोग छत पे आ गए हैं, और मम्मी जी ना बेलना भी लेकर आई हैं, जो जिससे रोटी बेलते हैं बेलने को, और पापड़ बनाने वाली मशीन, दोनों चीज़ लेकर आई हैं। बोल रहे थे अगर मशीन से मोटा मोटा आएगा तो बेल हाथ से बेल बेल कर बनाया जाएगा, पर मशीन से ठीक ठाक आ रहा था, जितना हमें चाहिए था उस हिसाब से आ रहा था, वरना हम लोग हाथ से भी बेल के बनाते। और वैसे भी आलू के पापड़ हम लोग बेल के बनाते हैं, पर इस बार मशीन से ही बनाएंगे, क्योंकि ठीक ठाक निकल रहे थे मशीन से। तो अब पहले पन्नी में मतलब जो पॉलीथीन है इस पर पहले तेल लगा लेना है, और उसके बाद पापड़ के लिए इसको शेप में दबा लेना है पूड़ियों के शेप में। और तेल लगा लेने से क्या होता है, जो लोई बनाया है हम लोगों ने, जो पेड़े को बनाया है ना, वो चिपकते नहीं हैं और आसानी से निकल जाते हैं, इसलिए पहले पेड़े जैसा बना के, और हाँ जब भी ये बनाओ ना माड़ के चावल का जो भी है, तो तुरंत बनाना चाहिए पापड़ छत पे जाके, वरना सूखने लगता है जो चावल का आटा है, जो चावल का हम लोगों ने बना के रखा है ये। तो चलो, और एक बात ये कि इसको तुरंत खोल के ना रखें, जितनी आप लोई बना रहे हो बस उतने बाहर रखो। और ये जो आपको साड़ी दिख रही होगी, आप इसको पन्नी पर भी बना सकते हो, पॉलीथीन होती है लंबी से उस पर भी बना सकते हो, पर ये बहुत आसानी से निकल जा रहा था। और जितना आपने बचाया हुआ है वो चावल का आटा मतलब गूथा हुआ, उसको ढक के ही रखिएगा, वरना वो सूख जाएगा। तो यहाँ पे हम और हमारी सासू माँ दोनों मिलकर बना रहे हैं पापड़, और अब आपको मम्मी जी खुद बताएंगी कि उन्होंने इसमें क्या डाला है, कितनी क्वांटिटी में डाला। और मीठी की ब्लॉगिंग चल रही है, आप देख सकते हो कि मीठी अपने मोबाइल में लेके ब्लॉगिंग कर रही है। कैसे बनता है पापड़? पहले चावल को नाप ले कटोरी में, फिर उसके बाद
जैसे एक कटोरी चावल है तो डेढ़ कटोरी पौने दो कटोरी पानी डाले, फिर उस पर नमक डाले, कलर फिर उस पर कलर डालना हो तो डालो, नहीं डालना है तो ना डाले, जीरा डाल दो। जीरा से पानी ना छोंक दे पहले? हाँ पानी भी छोंक सकते हैं, वैसे भी डाल सकते हैं। और फिर उसको जब चावल का आटा डालो तो उसको फिर खूब घोटाई करो एक जन का प्रेस पकड़ के, ताकि वो गुट्ठी ना बंधे, तब पापड़ अच्छा आता है। ऐसे चावल के सेव से ज़्यादा अच्छा है, हम लोग उस बार चावल का सेव बनाए थे ना, मम्मी एक डाल में कौन नहीं, चावल वाला अच्छा था, आलू वाला फेंके थे हम लोग, आलू वाला अच्छा नहीं लग रहा था, कड़वा कड़वा लग रहा था, आलू का पापड़ बहुत अच्छा लगता है, सेव नहीं, चावल का सेव भी अच्छा लगता है। सारा पापड़ हम लोगों ने फैला दिया यहाँ पे, और ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर फैलाने में बड़ी दिक्कत होती है, मतलब हिम्मत ख़त्म हो जाती है फैलाने की इतनी धूप में। तो अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा बना लेंगे, और अभी हम लोगों ने देखो चावल का इतना पापड़ बना लिया है, और ना डालते ही डालते ये सूख गया है, तो मम्मी जी इसको पलट रही हैं और धूप बहुत ज़ोर से है। चलो अब चलते हैं नीचे, मैंने कहा कि चलो आप लोगों को भी दिखा दें कि हमारे जो पापड़ हैं वो बन चुके हैं। अभी इतनी तेज़ धूप हो रही है ना कि ये शाम तक पक मतलब एकदम अच्छे से करारे हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग फ्राई करके इसको खाएंगे और आप लोगों को खिलाएंगे और दिखाएंगे, है ना मीठी। आजकल फ्रेंड्स बोल रहे थे कि आजकल मीठी हम लोग से बात नहीं करती अच्छे से, तो बात कर लो अच्छे से फ्रेंड लोग से। हाँ चलो नीचे चले, ये हम लोग के साथ तब से धूप में खेल रही है, बोल रही है कि मम्मा नीचे चलेंगी तभी नीचे चलेंगे, और ये देखो वो छाया में खड़ी है पर ये धूप में बैठी है, देख लो कैसे बैठी है, बदमाश है बदमाश। तो चलो चलते हैं नीचे, हम लोग नीचे आ चुके हैं और अभी 2 बज रहे हैं और हम लोग को थोड़ी सी फिर से भूख लग रही है। नाश्ता हम लोग सुबह किए थे पराठा और करेले की सब्जी, जो चने वाला करेला था वही, और अब हम लोग जा रहे हैं चावल फ्राई खाने। और ये देखो चावल फ्राई हो चुका है और मोंटू भाई किसी से बात कर रहे हैं फोन पे, तो आवाज़ जारी होगी, और देखो बर्तन सारे साफ हो गए हैं। अभी जब हम लोग चावल फ्राई खाएंगे तो थोड़े बहुत बर्तन निकलेंगे, उसके बाद में धो लूंगी। और आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद, लो आप लोग भी खा लो चावल फ्राई, 15,000 63,000 हो गया, मतलब 70,000 कुछ लगेगा। वही गैस पे रखा, वहाँ पे रखा, ले लो खा लो। तो यार सच में बहुत हालत ख़राब हो जाती है धूप ऊप के टाइम, जब ये पापड़ वगैरह बनाने लगो, और थकाई भी लग जाती है, धूप भी लगती है। तो अभी मुझे एडिटिंग करना है, इसलिए मैं फटाफट से खा लूँ खाना, मतलब ये जो फ्राई चावल है इसको। दुपट्टा कहाँ चला गया यार, इसी को ओढ़ लेती हूँ। तो मैंने जो फ्राई चावल है वो खा लिया है, और अब जा रही हूँ मैं बाहर, कपड़े डालना है मुझे। और आज देखूँ कमरे में कोई आया नहीं है, तो कमरा कितना साफ़ नीट एंड क्लीन दिख रहा है हर तरफ से, क्योंकि जो हमारे घर की शरारती है ना, मतलब मीठी, वो अभी नहीं है, मतलब बाहर खेल रही है। तो चलो चलते हैं बाहर, होमवर्क हो गया है तुम्हारा? हाँ, और मुझे थोड़े से कपड़े हैं वो डालने हैं बाहर, थोड़े से मेरे हैं, थोड़े एक दो देवर जी के हैं। तो चलो चलते हैं बाहर। आज ये बदमाश लड़की घर के बाहर है पूरे टाइम से, जब से हम लोग बाहर निकले हैं कमरे में हम नहीं घुसे, तो ये भी नहीं घुसी। मम्मी जी बुला रही, जाओ छत पे, चिप्स उड़ रही है, जाओ वहाँ नहीं है, रुक जाओ अभी मत चढ़ो, लो टोकनी लेके जाना, रुको वहीं खड़ी रहो, टोकनी लेके जाओ चिप्स भर के लाना, लो मम्मी जी को दे देना, हाँ चिप्स इसी में डाल लेंगी, तुम लेके मत उतरना नहीं गिर जाओगी। तो चलो अब मैं चलूँ बाहर कपड़े डालने, ये देखो थोड़े से कपड़े तो इसी बाल्टी में इसी मैंने डाल लिया। चलो यार बहुत तेज़ से धूप है। सो गाइस एक और बात कहनी आप लोग से कि मेरा कपड़ा मत देखा करो कि मैं क्या पहनी हूँ कैसा पहनी हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुझे फटाक से नहा कर आना होता है, नाश्ता बनाना होता है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कपड़े चेंज वगैरह करने का। और हाँ एक खुशखबरी है जो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दे दूँगी, और काफ़ी दिन से सोच रही थी देने को पर दे नहीं पा रही थी, नेक्स्ट व्लॉग में पक्का है। मैंने कपड़े जो है वो बाहर डाल दिए हैं, नहीं दिख रहा होगा ना रोशनी की वजह से, नहीं दिखता है। तो आज मैंने कपड़े बहुत कम इसलिए धोए हैं क्योंकि आज मुझे चिप्स वगैरह डलवाना था मम्मी जी के साथ, और जहाँ पे आप छत पे काम वाम करो धूप धूप में ना, तो फिर कपड़े वपड़े धुलने की हिम्मत नहीं रह जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो यहीं पर खड़े होकर थोड़ी सी आप लोग से बातें कर लेते हैं, कुछ दिन बाद तो यहाँ खड़े होना भी मतलब बिल्कुल हालत ख़राब हो जाएगी यहाँ खड़े होने में, क्योंकि यहाँ सामने से बिल्कुल धूप आती है, तो यहाँ खड़े होकर बात हो ही नहीं पाया करेगी। अभी जितने दिन ठंडी थी तो मैं आराम से यहाँ पे खड़े होकर बात कर ली आप लोगों से। तो आज मुझे बात करनी है प्रीति के बारे में, और आप लोग प्रीति को बहुत अच्छे से जानते ही हो, पर कुछ लोग हैं ना जो ऐसे गलत गलत फालतू फालतू की बातें करते हैं कि, तो कुछ लोगों के अंदर ना ऐसी गलत फहमियाँ आ जाती हैं, और कुछ तो ये कह रहे थे कि आप प्रीति
इतने अच्छे दोस्त थे तो आप उनसे बिना मिले कैसे आ गए अपने ससुराल। तो ज़रूरी नहीं है कि जब जब हम मिलें तब तक हम ब्लॉग बनाएं, और बिना ब्लॉग बनाए बिना आप लोग के साथ शेयर करें तो आप जान पाओगे नहीं कि मैं उनसे मिली कि नहीं मिली, मतलब जब मैं आने लगी थी प्रयागराज से। तो ये बात सच है कि हम नहीं मिल पाए, और आते आते क्योंकि मुझे भाभी जी के यहाँ बर्थडे में भी जाना था, यूपी ब्लॉगर आराध्या भाभी के यहाँ, पर मैं वहाँ पे भी नहीं जा पाई। मेरा कोई भी प्लान नहीं था इतनी जल्दी आने का, पर हस्बैंड जी है ना जो जिद करने लगे, बोले कि त्यौहार का टाइम रहेगा तो मैं क्या क्या करूँगा, क्या क्या अरेंज करूँगा, और फिर इतने दिन मतलब बार बार जाना हो भी नहीं पाता इतने दूर। तो मैंने भी बहुत कुछ सोचा, तो मैंने कहा कि चलो अच्छा घर चलते हैं, और मैंने प्रीति को फ़ोन करके अच्छे से बता दिया कि प्रीति मैं जा रही हूँ यार। तो जब मैंने प्रीति को बताया कि यार मैं जा रही हूँ, तो वो भी बहुत नाराज़ हो रही थी, बोल रही अचानक से जा रही हूँ, तुम तो बोली थी कि होली तक रुकेंगे और इतनी जल्दी जा रही हो, बिना मिले जा रही हो। उसको भी बहुत बुरा लग रहा था, फिर मैंने उसको जैसे तैसे समझाया। और दोस्त वही होता है जो आपकी बात को समझे, जो आपको समझे वही दोस्त होता है, तो मेरी बातों को समझी। और मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि वो लड़की मेरे लिए इतना करेगी, और बस कुछ गलत फहमियाँ हो जाती हैं जो आप लोगों को हो गई होगी कि मैं उससे मिले भी ना आ गई, कुछ मैटर रहा होगा या कुछ भी गड़बड़ी या कुछ हमारे रिश्ते में ऐसा हो गया होगा जो मैं उससे मिले भी ना आ गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, हम आज भी वैसे ही हैं जैसे हमेशा थे, आज भी हम वैसे ही बात करते हैं, और बस यही थी छोटी सी बात। और हाँ, प्रीति मेरे लिए सच में इतना कुछ की है। कभी कभी होता है ना, जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुंह से निकलती नहीं पर दिल में चलती रहती हैं, मेरे साथ वही होता है जब मैं कैमरा उठाती हूँ। तो नहीं था कि वो लड़की कभी, मतलब जिसको मैं नहीं जानती ना पहचानती हूँ, और उसके घर में अचानक से जाऊँगी तो पता नहीं प्रीति का क्या रिएक्शन रहेगा। और फ़ोन पे तो वो मेरे से अच्छे से ही बातें करती थी, पर मैंने उम्मीद भी नहीं लगाई थी कि यार वो इतना कुछ सोचेगी मेरे लिए। उस लड़की ने अपने लिए सोचा था कि वो, मतलब अगर नैन्सी से मिलूंगी तो कुछ वीडियोस बना लूंगी, मतलब उसने दिमाग लगा रखा था, ठीक है। और वो मेरे लिए भी सोच रही थी, मतलब जैसे ही मैं पहुंची उसने बहुत कुछ सोच लिया और मेरे लिए भी सोच लिया। तो इसलिए मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि प्रीति मुझे इतनी अच्छी दोस्त मिली, और एक यूट्यूब की तरफ से मुझे इतनी अच्छी फ्रेंड मिली। तो बस हमारी दोस्ती ऐसे ही बनी रहे, और किसी की बुरी नज़र हम पर ना लगे, और हम लोग किसी की बातों में अब ना आए, और आएंगे भी नहीं वैसे, क्योंकि अपने पास बहुत दिमाग है और हम अपने दिमाग से ही काम करेंगे हमेशा। तो उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी बात थी आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी, और अब ऐसे फालतू के कमेंट मत करना कि आप बिना मिले आ गए हो, आपके रिश्ते में कुछ ऐसा हो गया है, वैसा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और थैंक यू यार प्रीति, थैंक यू सो मच कि जितना मैंने तुमको सोचा उससे उम्मीद से कहीं गुना ज़्यादा तुमने मेरे लिए किया। और बंदी फिर से मिली मुझसे खुसरू बाग में, फिर से वो मिलने आई, फिर से मैं उससे मिलने गई, खुशी थी इतनी हम दोनों को कि आपस में मिलेंगे। उसको ये नहीं लगता कि कोई यूट्यूबर है या फिर क्या है कैसा है, ना उसको लगता है ना मुझे लगता है। और हाँ, रिश्ता वही होता है जहाँ कोई फ़ायदे जैसा कुछ ना हो कि यार मुझे उससे कुछ फ़ायदा है या फिर कुछ ऐसा है। अगर मुझे ये सब सोचना होता ना तो खुशरू बाग में मैं उसको कितने बार भी अपने ब्लॉग में ला सकती थी, वो मुझे ला सकती थी, पर हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हम लोग बैठकर खूब इत्मीनान से बहुत सारी बातें की है, क्योंकि ब्लॉग तो हमारा हमेशा बनता रहेगा, उसका अपना बनता रहेगा, मेरा अपना बनता रहेगा, पर हमारी जो बातचीत है वो जल्दी कहाँ होगी आमने सामने बैठ के। तो इसलिए हम लोगों ने खूब सारी बातें कर ली थी दोबारा जब हम फिर से मिले थे। तो और कहीं ना कहीं मैं उससे मिल नहीं पाई आते आते, इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है, अभी भी बहुत दुख हो रहा है। प्रीति तुम्हारी वजह से दुख हो रहा है, मतलब इतनी अच्छी दोस्त नहीं मिलती तो दुख कैसे होता है ना। तो आज 3 दिन से ये कमेंट आया हुआ था, पर मैंने अभी तक इस पर ना रिप्लाई किया था, रिमूव कर दिया था कमेंट को मैंने, पहले बता दें मैंने रिमूव कर दिया था, पर मैंने रिप्लाई नहीं किया था क्योंकि मुझे ये ब्लॉग बनाना था, और ताकि उनके जैसे और भी जो लोग हों जो शायद इस गलतफहमी में होंगे और नहीं बोल पा रहे होंगे तो उनको भी बताना ज़रूरी था। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया, अरे यार कपड़ा गिर गया, यही होता है, मतलब पतझड़ का मौसम आ गया, हवा चलती है, कपड़े गिर जाते, मुझे पिन लगाना था, क्लिप लगाना था, मैं भूल गई। तो चलो ठीक है, मैं इस वाले ब्लॉग का यहीं पे करती हूँ एंड, और मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक बात बता दूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही ठीक हूँ, और मुझे रियल रहना पसंद है और मेरे व्यूअर को रियल देखना पसंद है, इसलिए प्लीज़ कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें हो तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, माइंड मत कीजिएगा, ठीक है, बाय, थैंक यू गाइस, बाय।